पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद से ही पूरे देश ही नहीं अपितु विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भारत में भी अब आस्था के साथ विज्ञान की झलकी नजर आ रही है। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर भी चंद्रयान की सफल लैंडिंग की झांकियां देखने को मिली। धर्म के साथ विज्ञान की आस्था को देखने लोगों में खुशी नजर आई और सभी अपनी सेल्फी लेते हुए नजर आए। दरअसल पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में सभी मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव को भव्यता के साथ मनाया गया, लेकिन मुरादाबाद के मनोकामना मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी पर धर्म के साथ साथ देशभक्ति और विज्ञान की ओर भी श्रद्धालुओं को अभिसारित किया गया। मंदिर में सुंदर झांकियां लगाई गईं, जहां पर चंद्रयान की झांकी सबसे प्रमुख रही। यहां पर भारत माता के साथ चंद्रयान की झांकी भी सजाई गई, जिसे देख सभी ने देश के गौरव को महसूस किया। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि हमारे देश ने तरक्की की है और भारत का नाम रोशन हुआ है, तो ऐसे में हमने श्रद्धालुओं को ये बताने का प्रयास किया है कि देश आगे बढ़ रहा है और तरक्की कर रहा है। तो वहीं चंद्रयान की झांकी के साथ सेल्फी ले रहे कुछ युवाओं ने भी इसकी खूब तारीफ की। उनका कहना है कि ईश्वर की भक्ति के साथ हमें देश के गौरव को भी महसूस करने का अवसर मिला है। जिन्हें चंद्रयान के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें यहां पहुंचकर जानकारी मिल रही है। आप यहाँ आए हैं मनोकामना, क्या देखा आज आपने यहाँ पर जन्माष्टमी का, कैसा लगा? एक तो बहुत ही प्यारा सजा रखा है और चंद्रयान का भी इन्होंने दिखाया है यहाँ पे, तो मैं ये देखिए हमारा देश हर चीज में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो विज्ञान हो चाहे ज्ञान हो, हर चीज में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, क्या देखा आपने आज इस जन्माष्टमी में और कैसा लगा यहाँ मंदिर में आके? मंदिर में आके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही प्यारी झांकियाँ सजा रखी है। लास्ट ईयर तो बहुत ही अच्छा था, इस बार तो एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग हो गया और चंद्रयान का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं कल दोबारा आऊंगी इसको देखने स्पेशली। मेरा नाम देवांश है। एक्चुअली आज कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, तो यहाँ पर ये पूरा आयोजन हुआ है, इसकी वजह से हम सब लोग भक्तगण जितने लोग हैं वो यहाँ पर झांकी देखने आए हैं और साथ में कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर आए थे। क्या क्या विशेष है यहाँ पर, क्या देखा आपने, क्या रहा है? स्टार्टिंग में सबसे पहले मंदिर पड़ता है, तो हम लोगों ने दर्शन लिए, उसके बाद यहाँ डिफरेंट डिफरेंट झांकियाँ लगी हुई थी, तो हम लोग इन झांकियों को देख रहे थे। जी हाँ, वो बिल्कुल पीछे है चंद्रयान की, तो ये अचीवमेंट है इंडिया का, जो अभी हमने साउथ पोल पर एंटर किया है एंड सबसे पहले कंट्री के हम लोग बने थे, तो ये उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया है कि व्हाट आर द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया और किस तरीके से हमारा इसरो जो है वो अचीवमेंट ले रहा है। क्या सीख मिलती है आपको यहाँ देखा आपने, क्या लगता है? सबसे पहली सीख है वो तो मोटिवेशन है कि दैट इसरो किस तरह डेवलप कर रहा है, सो द अल्टीमेट फैक्टर इज दैट कि वी आर गेटिंग ग्रोथ एंड द सेकेंड इज दैट कि हम लोग जिस तरह से पेस पे आ रहे हैं, तो ये हमें ही नहीं हर किसी को, हर एज के लोगों को मोटिवेट करेगा, तो ये बहुत अच्छा पार्ट लगा मेरे को पूरे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।